सामने चार निकल સાથે સાથે આપણે વેજર નતો કરાય માટે આપણે પણ માતાજીને યાદ કરીને અથડાઈએ નહીં એકબીજા સાથે અને ધીમે ધીમે આગળ તમામ ભાઈ બહેનોનું માઠી સમાજ પંચ આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત. આશા છે કે આ સફળ યાત્રામાં આપ સૌના સહયોગ બદલ માછી સમસ્ત સમસ્ત માછીમાર સમાજ દ્વારા બંબાખાનાથી કલેક્ટર કચેરી સુધી એક મહારેલીનું આયોજન કરેલું હતું અને ગઈકાલે અમે નર્મદા સંગમ યાત્રા નિમિત્તે અને નર્મદા બચાવ અભિયાન અંતર્ગત એ લોકોએ એક મહારેલીનું આયોજન કરેલું હતું. ગઈકાલે જ અમે એ લોકોને સમર્થન જાહેર કરેલું અને આજે સમસ્ત મુસ્લિમ સમાજ દ્વારા આજે અમે લોકોને ફુલહારથી અને ઠંડા પાણીના પાઉચ આપીને એ લોકોનું સમર્થન જાહેર કર્યું છે અને અમે એ લોકો સાથે રેલીમાં કલેક્ટર ઓફિસ સુધી જઈ એ લોકોને સમર્થન આપીશું અને સાથે સાથે એક મહિના જે સ્થાપના ગુજરાત સ્થાપના દિવસ છે અને એની જે ઉજવણી ભરૂચ જિલ્લામાં થઈ રહી છે તો સરકારના ચૂંટાયેલા ભરૂચ જિલ્લાના ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓને અમે આ 15,000 લોકોની રોજીરોટીનો સવાલ છે ત્યારે અમે માછીમાર સમાજ અને સમગ્ર મુસ્લિમ સમાજ દ્વારા એ લોકોને અમે એક આહ્વાન કરીએ છીએ કે નર્મદાને બંને કાંઠે વહેતી કરી એને જીવંત રાખીએ એવી અમારી લાગણી અને માગણી છે. આજ રોજ ભરૂચના મહમદપુરા ખાતે સમગ્ર મુસ્લિમ સમાજ દ્વારા જે મિસ્ત્રી સમાજ અને ખારવા સમાજે નર્મદા બચાવ આંદોલન માટે રેલી કરેલી છે. અમે સમગ્ર મુસ્લિમ સમાજ એને સમર્થન કરેલું છે ને આજ રોજ મહમદપુરામાં ભેગા થઈને પાણીના પાઉચ અને ફુલાર વિધિ કરીશું અને એમની આ રેલીમાં અમે સફળ બનાવવા માટે તમામ મુસ્લિમ સમાજના લોકો એમની સાથે જોઈન્ટ થઈશું અને એમને મદદરૂપ થઈશું. બાજો ના બીજી વાર જોયું સરદાર સરોવર કી કપેસિટી જો હૈ વો 9.5 મિલિયન 8.7 ગુજરાત કે અપની કેચમેન્ટ સે ભર સકતી હૈ અન્યથા તો ઉપર કે બાંધોન સે આને કી હૈ.
नहीं, आज भरूच के कलेक्टर के सामने हजारों मछुआरे और अन्य समर्थक साथी जो चलकर आए, उस पैदल यात्रा की ताकत ये थी कि कलेक्टर को अंदर सैकड़ों लोगों को लेना पड़ा और सुनना पड़ा। आज ये पहली बार आवेदन देने के लिए नहीं आए थे, पहले भी 20-25 दिन के पहले जैसे एडवोकेट कमलेश भाई ने कहा, उन्होंने आवेदन दिए हैं। आज जो मांगे हैं वो स्पष्ट हैं कि सरदार सरोवर बांधकर गेट बंद करने के बाद वो जो फर्जी लोकार्पण हुआ, उसके बाद एक बूंद भी पानी नीचे नहीं छोड़ा गया है 17 जून 2017 से, और सरदार सरोवर भी नहीं भरा है, उसकी कैपेसिटी का आधा हिस्सा तो ऊपर के बांधों से आना है और नीचे वास भी उपनदियों से पानी नहीं आया है। जो सरदार सरोवर में पानी था वो कंपनियों के लिए छोड़ा गया, चुनाव के पहले छोड़ा गया, लेकिन न किसानों को बख्शा न नीचे वास के लोगों को। तो आज नीचे वास सूखा पड़ा है, ये डाउन स्ट्रीम इम्पैक्ट्स की बात है। आप अगर 2013 तक की और 2016-17 की भी नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी की रिपोर्ट देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि नीचे वास पर असर बांध का, इस पर अभ्यास पूरे नहीं हुए हैं, प्लान्स नहीं बने हैं, और फिर भी बांध पूरा करना, गेट बंद करना, और नीचे के मछुआरे आज बहनों ने कलेक्टर के सामने बहुत ही दर्द भरी बात रखी कि उनके बच्चों की शिक्षा, उनकी रोजी रोटी, उनका भूख प्यास भोजन का अधिकार सब पर कितना गंभीर असर पड़ा है। तो आज मांग है कि पानी छोड़ा जाए, कितना पानी छोड़ा जाए इसका पूरा अध्ययन व्यवस्थित होना चाहिए और इस संगठित शक्ति के साथ बातचीत करके तय करना चाहिए। दूसरी बात कि नीचे जो बराज बांध रहे हैं भाड़भूत का, वो कल्पसर प्रोजेक्ट का हिस्सा है, इस प्रोजेक्ट के और गंभीर असर है। और भाड़भूत बराज तो एस्चुरी में बांधना, ये एक पर्यावरण के ही नहीं विज्ञान के खिलाफ की बात है, और इसीलिए उसकी भी पब्लिक हियरिंग हो चुकी है, लोगों ने विरोध किया है, आज भी उनके साथ बैठकर उसकी चर्चा होनी चाहिए। लोग नहीं चाहते वो बराज क्योंकि उससे और ही असर होगा। आज तक जो नुकसान हुआ है पिछले कई सालों का, उसकी भरपाई लोग मान रहे हैं। हम सब लोग विस्थापितों के, पर्यावरणवादियों के ही नहीं, सही विकास चाहने वालों के तरफ से ये कहते हैं कि हम इनके साथ हैं। आज यहाँ आनंद माजगांवकर, डैनियल भाई, नीता महादेव और बहुत सारे संगठनों के जो साथी आए हैं, उनके साथ साथ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के विस्थापितों के प्रतिनिधि आए हैं, और सब मिलकर डाउन स्ट्रीम के इन मछुआरों के संघर्ष में साथ है। पर यह केवल मछुआरों का नहीं है, यहाँ के भरूच के शहरवासी, राजपिपला के शहरवासी, गाँववासी, किसान, इनकी खेती, इनके खेती के लिए सिंचाई और पीने का पानी भी, खारा पीना मिलेगा तो चलेगा क्या, इसका जवाब इंडस्ट्रीज तक ने सपने देना है। अभी 15 दिन का समय एडवोकेट कमलेश भाई, हिरल भाई और सभी साथियों ने दिया है और कहा है कि अगर 15 दिन में एक एक मांग को जवाब सही मंत्रालय से नहीं मिलता तो वो कायम का डेरा डालकर आंदोलन चालू करेंगे। ये समस्त भरूच जिला माछीमार समाज ना नेतृत्व में अमुक लोगों रैली काढ़ी ने आव्या नर्मदा बचाओ कि जे नीचे वास में डेम पछी भरूच जिला ने नर्मदा जिला में नर्मदा में जल स्तर बिल्कुल ओछू छे तो त्यां माछोमारों ने घनी समस्या पड़े छे, एना रैली लईने जिला सेवा सदन में आव्या। मारी चेम्बर में अपन एना प्रतिनिधिओ साथे खूब सार्थक चर्चा थई, एना जे अमुक प्रश्नों हता अमे सांभळ्या અને એના બારેમાં જે પણ ઉચિત કાયદાકીય પગલાં હોય અમે ચોક્કસ સંબંધિત વિભાગના પણ ધ્યાન દોરીએ અને કલેક્ટર કચેરીથી પણ જેટલું કાયદાકીય રીતે શક હોય આ એમાં ચોક્કસ પગલાં લઈએ। થેન્ક યુ।